डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म या डी फार्म की बात करें या फार्म डी की बात करें, इन सभी में ये चलता है। शायद आपको पता होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड में मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। वो सेमेस्टर वाइज बात करूंगा चाहे ईयरली कंसेप्ट वाइज बात करूंगा, तो मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपने वो नहीं देखी तो वो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो लेक्चर के बाद में। और यहाँ पे चीज और बता दूं, यहाँ पे मैं अलग अलग कोर्स के या सब्जेक्ट के मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ। मीन्स डिप्लोमा की बात करूं चाहे बी फार्म की बात करूं, या मैं फार्माकोग्नोस्टिक की बात करूं चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे फार्माकोलॉजी की बात करूं चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूं, और इन सभी की बायो केमिस्ट्री की बात करूं, इन सभी के मैं वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। तो आपने यदि वो वीडियोज नहीं देखे तो उन वीडियोज का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उनको क्लिक करें और आप अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट देख सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि आपको कोई सा भी वीडियो अपलोड होने से होते ही आपको इन्हें क्या होगा, अलर्ट मिल जाएगा और आप अपना वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड पढ़ने वाले हैं। मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड कौन सी कैटेगरी का ड्रग होता है? एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का ड्रग होता है। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो ड्रग हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर दे, हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। मींस एजेंट्स विच आर यूज टू रिड्यूस हाइपरटेंशन नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और ड्रग। क्लियर? मींस मिथाइल डोपा का ये वाली कैटेगरी का ड्रग है। अब अपन बात करते हैं कि मिथाइल डोपा, जैसे इसका नाम में आ रहा है, ले तो इसमें मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड हमने क्यों बनाया या क्या रीजन है? इसका रीजन ये देखिएगा यहाँ पे, इसका बेसिकली क्या है आप समझेंगे, HCl सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, मिथाइल डोपा एस्टर। आपको पता होगा मिथाइल डोपा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, उसका एस्टर बनाया हुआ है और मिथाइल डोपेट एस्टर। क्लियर है? शायद समझ में आ गया होगा, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, ये क्यों बनाते हैं आपको शायद समझ में आ रहा होगा। रीजन इसका ये है कि ये मोर सोल्यूबल है एंड स्टेबल है इन सोल्यूशन देन मिथाइल डोपा। मींस प्रॉब्लम क्या आती है मिथाइल डोपा का, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है क्या कि यदि हम तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम मिथाइल डोपेट एस्टर हाइड्रोक्लोराइड बना लेते हैं, तो क्या होता है मिथाइल डोपेट बन जाता है तो वो सोल्यूबल हो जाता है। सोल्यूबल हो गया और उसके बाद में हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं तब सोल्यूबल हो जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये अंदर जाके कि मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोड्रग फॉर्म हो गया। और जनरली किसके तौर पे यूज किया जाता है, प्रेफर्ड फॉर आईवी यूज, मतलब इंट्रावेनस के तौर पे यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ये चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बताऊंगा, साथ में इसका यूज, एडवर्स इफेक्ट बताऊंगा, और इसको सिंथेसाइज कैसे करेंगे, इसका आईपीसी नाम क्या होता है, ये सारी चीज बताने वाला हूं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने एक चीज बता दी। अब बात करते हैं, जैसा ही मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड को हमने पेशेंट को दिया इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के फॉर्म में जैसे ही हमने दिया तो क्या होगा, ये मेटाबोलाइज या कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल डोपा में। मिथाइल डोपा अगेन प्रोड्रग, मिथाइल डोपा प्रोड्रग होता है, इसका मतलब मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड क्या है, प्रो प्रोड्रग फॉर्म होता है। और उसके बाद में जैसे ही मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होता है वो क्या करता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबोलाइज होते ही किसमें होता है, ये इनटू अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन, कहां पे होता है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका मेटाबोलाइज होता है और बनता क्या है, अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन। और आपको शायद पता होना चाहिए कि अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन क्या होता है, पोटेंट अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। पोटेंट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और अल्फा टू का होता है एड्रेनर्जिक का एगोनिस्ट होता है, कीप इन माइंड एगोनिस्ट होता है, नॉट एंटागोनिस्ट। जनरल स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं एंटागोनिस्ट के तौर पे, क्यों करते हैं समझाता हूं।
ये जैसे ही ये बनता है अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन, वो किसका होता है, पोटेंट अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्योंकि एगोनिस्ट है तो अल्फा टू रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि ये इनहिबिटरी नेचर का होता है। इसका मतलब समझना कि इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है, यदि ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, ये इनहिबिशन करेगा पर्टिकुलर जो कंडीशन का, मतलब उसका पॉजिटिव इफेक्ट ना हो कि उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। वो इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जनरली एगोनिस्ट के होता है तो इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पे चूंकि इनहिबिटरी नेचर है, इनहिबिटरी नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को। जैसे ही सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर बीपी डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो क्या होगा, और यही अपन चाह रहे थे कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर दे, मींस ब्लड प्रेशर को जो रिड्यूस करती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। इस तरह से ये इसका क्या हो गया, शायद आपको पता लग गया होगा, ये हमने इसका क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इस तरह से यदि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस तरह का फ्लो डायग्राम में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म एक्शन। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। यूजेज में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक सबसे परफेक्ट इसका यूज होता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब मदर के क्या होता है, यूट्रस में क्या हो रहा है, बेबी पल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे इसका मतलब मदर एंड फीटस के लिए ये सेफ रहता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, इसको मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड को, जो मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होता है, मिथाइल डोपा से अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इस तरह से ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज किया जाता है किसमें, प्रेग्नेंट लेडीज में। अब बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, या इस तरह से साइड इफेक्ट देखिएगा, सेडेशन ये करता है और रिड्यूस मेंटल कैपेसिटी करता है, सिंस क्योंकि ये सीएनएस में काम करता है तो जनरली कहते हैं अपन कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो ये वही कंडीशन है कि रिड्यूस मेंटल कैपेसिटी, दिमाग काम करना बंद कर देता है, सेडेशन करने लग जाता है, कौन, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। दूसरा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आते हैं कौन से, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ आता है, हेडक होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं कौन से, एंटी कोलिनर्जिक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा, वेट गेन हो जाता है और इम्पोटेंस जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसका एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है कौन सा, देखिएगा आप, पॉजिटिव कॉम्ब टेस्ट होता है जो इसमें होने लगता है, मींस एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होता है। ये क्या होता है, बेसिकली एंटीबॉडीज प्रेजेंट मिलती है आरबीसीज पे यदि एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है उसको हम पॉजिटिव कॉम्ब टेस्ट बोलते हैं, मींस एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मिथाइल डोपेट एस्टर का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट का क्या क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हमारा हो गया, इसकी जनरल चीजें ये हो गई, ये इसका और दूसरा इसका यूजेज हो गया और एडवर्स इफेक्ट हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे अब अपन बात करेंगे इसका क्या सिंथेसिस क्या। नाउ फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। जैसा कि अपन ने इसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा, इसका सिंथेसिस अब पढ़ने वाले हैं, साइड इफेक्ट पढ़ा, इसके यूजेस पढ़े, तो अब अपन बात करते हैं इसका सिंथेसिस की। सिंथेसिस में यदि अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, तो अपन देखेंगे यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर अपन कहेंगे इसको एसीटोन। ओके ये तो हो गया एसीटोन। दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे यदि अपन नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 थ्री एंड फोर्थ पोजिशन पे क्या है, डाइमिथॉक्सी ग्रुप है तो बोलेंगे डाइमिथॉक्सी। ओके नाउ फिर ये क्या हो गया, फिनाइल, डाइमिथॉक्सी फिनाइल, ये क्या हो गया जैसा कि अपन ने बोला एसीटोन। ये तो एक स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम साइनाइड। नाउ नेक्स्ट ये क्या है जिसको अपन बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे अपन, अमोनियम कार्बोनेट।
इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको, समझने के लिए देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे जुड़ा रहता है, एक ऑक्सीजन इधर दूसरा ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे एक अमोनियम जुड़ा हुआ है NH4 के साथ में, दूसरा अमोनियम इधर जुड़ा हुआ है NH4 के साथ में, ओके नाउ अब यदि अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही बीच में साइनाइड ये इस तरह से आके जुड़ जाता है, ये एक यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, ये कार्बन यहां आ गया, ये कार्बन यहां आ गया, एक एनएच वाला ये, एक ये है, और साथ में ये साइनाइड की साइनाइड वाला क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइज होके ये ग्रुप बना लेगा कीटो ग्रुप में, और यहाँ पे रिंग क्लोजर हो जाएगा, और ये रिएक्शन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेकर जेलेंस की रिएक्शन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेकर जेलेंस की रिएक्शन, ओके तो ये पहली रिएक्शन है, इसका रिएक्शन का समझना दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे हम फिनाइल एसीटोन डेरिवेटिव की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट की करवाते हैं तो हमें एक साइक्लिक डेरिवेटिव मिलता है, ये क्या हो गया, इमिडाजोल डेरिवेटिव हो गया, या इसको हम बोलते हैं हाइडेंटोन डेरिवेटिव, इससे हमें क्या स्ट्रेकर जेलेंस की रिएक्शन बोलते हैं, जैसे ये रिएक्शन बनती है हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है, हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेराइटा वाटर की, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं, इसको बेराइटा वाटर भी बोलते हैं, और यहाँ पे दूसरी ये पहली रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन कैसी होगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस में देखेंगे आप कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस में ध्यान दीजिएगा ये CH2 ग्रुप ये है, यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा ये वाला, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल गया तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हो गया, ये वाला कार्बन यहाँ पे ये आ गया, इस पे ये CH3 है, ये वाला CH3 है, ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से हमारा एक डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम HBr की थर्ड रिएक्शन करवाते हैं, थर्ड रिएक्शन HBr से करवाते हैं, तो यहाँ पे अगेन हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस से आप देखेंगे क्या कि ये इथाइल मॉइटी होता है, इतर लिंकेज बाहर निकल जाता है और ये हमारा डेरिवेटिव बन गया, और इसको अपन बोलते हैं मिथाइल डोपा, हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल डोपा, ओके जो हमने इसका मैकेनिज्म एक्शन में पढ़ा था, मिथाइल डोपा बन गया, मिथाइल डोपा का हम फिर क्या करेंगे, इसका एस्ट्रिफिकेशन करेंगे रिएक्शन नंबर 4 के साथ में, किससे करवाएंगे, यहाँ पे HCl की रिएक्शन की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा ये रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का एस्ट्रिफिकेशन होगा, एस्ट्रिफिकेशन का मतलब एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनता है, एस्टर बन गया, ये हमारा जो ड्रग बना, ये हमारा ड्रग बन गया कौन सा, मिथाइल डोपेट, इसको बोलेंगे अपन मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ओके जैसा कि क्या हाइड्रोक्लोराइड, जैसा कि आपको पता है कि NH2 ग्रुप का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, हम ये रिएक्शन किस में करवा रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, बेसिक नेचर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है, मतलब एसिड इस बेसिक के साथ अटैच हो जाता है, तो ये सॉल्ट बन गया इस तरह से, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो ये बन गया इस तरह से, तो यहाँ पे चार रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, पहला हम इसके साथ स्ट्रेकर जेलेंस की रिएक्शन करवाते हैं जिसमें फिनाइल एसीटोन डेरिवेटिव के साथ पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव बनता है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव का हम बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेराइटा वाटर बोलते हैं इसको, इसका की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या बनता है यहाँ पे फिनाइल एलेलिन डेरिवेटिव का एलेलिन क्या होता है, ये वाला एलेलिन डेरिवेटिव होता है, एलेलिन
हो गया, इसका डेरिवेटिव बन गया, ये डेरिवेटिव बन गया, फिर हमने क्या किया इसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो ये हमारा मिथाइल डोपा बन गया। मिथाइल डोपा का हम एस्ट्रिफिकेशन करवाते हैं, एस्ट्रिफिकेशन से हमें उसका एस्टर बन जाता है, मींस हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से हमारा इसका सिंथेसिस हो गया। फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की क्वेश्चन की बात करता हूँ तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो आपको जितना मैंने बताया है पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, मींस पहला उसका मैकेनिज्म एक्शन, उसके बाद में इसके यूजेस, उसके साइड इफेक्ट और उसका सिंथेसिस। ये सिंथेसिस हम कब लिखेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है तब की बात कर रहे हैं। दूसरा यदि फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन क्या लिखेंगे, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो आपको सिर्फ पहला वाला पार्ट मतलब उसका मैकेनिज्म एक्शन, उसका दूसरा उसके यूजेज और इसके साइड इफेक्ट, वो चीज लिखनी होती है, वो हो गया आपका फार्माकोलॉजी का। ओके तीसरा क्वेश्चन बनता है एक नेक्स्ट कौन सा, राइट द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। जैसा कि आपको सिलेबस में इसका सिंथेसिस पढ़ना ही है तो ये वाला सिंथेसिस आपको लिखना है, ये वो कंप्लीट सिंथेसिस हो गया, मैंने साइड में हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको मेन एग्जाम में इसको आपको याद करने में आसानी रहे, रिवाइज करने में आसानी रहे। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम या डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूं क्या यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बनता है कि ये मिथाइल डोपेट हम क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन क्या था याद करना, स्टेबल था और सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल था और सॉल्यूबल था, कौन इन कंपैरिजन टू मिथाइल डोपा याद करना। फिर उसके बाद में इसको आईवी प्रिफर्ड किया जाता है, इसी वजह से आईवी प्रिफर्ड किया जाता है। फिर ये प्रोड्रग था याद करना क्योंकि ये मिथाइल डोपा का पहला वाला फॉर्म है। फिर उसके बाद में इसका मैकेनिज्म एक्शन से क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस का कि ये कौन सा एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, अल्फा 1 है या अल्फा 2 है, एंटागोनिस्ट है या एगोनिस्ट है, उस पे क्वेश्चन तय है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका यूज, एक ये सिंगल यूज है प्रेगनेंसी में, ये सेफ है, ये प्रेग्नेंट लेडी को हम आराम से दे सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ द मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड या विच इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हो गया सारा कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कहूं चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, डिस्क्रिप्टिव, मेरे ख्याल से इस पॉइंट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपसे एक बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर अच्छा मिला तो आप एक इसका लाइक बटन जरूर दबाएं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में बोला था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके और वहां पे अपने डिजायर्ड वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। मैं यहीं पे इस आज वीडियो लेक्चर का खत्म करता हूँ, फिर से नया वीडियो लेक्चर और लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।